12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर में सावन के पहले दिन अल सुबह भगवान महाकाल की भस्म आरती हुई, जिसमें भगवान महाकाल का दूध दही घी शहद से अभिषेक किया गया और फल मिष्ठान का भोग लगाया गया। तो वहीं भगवान महाकाल का भांग चंदन और आभूषण से श्रृंगार किया गया। इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़े के महंत वेद गिरी जी द्वारा भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की गई और इसके बाद बाबा महाकाल की भस्म आरती शुरू हुई, जिसे देख श्रद्धालु अभिभूत हो गए और ये पूरा सिलसिला अब 2 महीने तक लगातार चलता रहेगा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आना शुरू हो गए हैं। श्रद्धालु भगवान महाकाल के सावन के महीने में सोमवार के दिन निर्जला व्रत भी करते हैं, तो कई श्रद्धालु एक समय फरियाली कर उपासना करते हैं। श्रावण सोमवार है, पहला दिन है आज और हम महाकाल के दर्शन करने हैं, बहुत बढ़िया है। और श्रावण तो महादेव का त्यौहार रहते हैं, सब पूरा महीना हम मनाते हैं धूमधाम से, एकदम बढ़िया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सावन का 2 महीने का त्यौहार है, तो सावन का जो त्यौहार है वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र और पावन माना गया है ना। और शिव जी से, और मेरी ये मानना है, ये मेरी भक्ति है शिव जी के प्रति, कि आप सच्चे दिल से शिव जी से जो भी मांगते हो वो आपकी भी जरूर पूरी करते हैं। तो वहाँ मिलना मतलब भक्तों की लॉटरी लगना है, तो हम शिव भक्तों की तो सावन में लॉटरी लगा दी बाबा ने। और अधिक मास चल रहा है तो जो हर उत्सव है, जो पूरे साल भर के उत्सव रहते हैं, अधिक मास में डबल सावन होगा तो पूरे जितने भी होली दिवाली सब उत्सव जो है वो मनेंगे बाबा महाकाल के पास और बहुत आनंद आएगा। और आज सावन का जो है प्रारंभ हो जाता है, तो हमारे गुरु जो है महाकाल बाबा ही हैं, तो हम गुरु का आशीर्वाद लेने आए हैं सावन के पावन महीने में। आज श्रावण का प्रथम दिन है और प्रथम दिन में ही भगवान शिव के भक्तों का सैलाब उमड़ा है। भस्म आरती में भी भक्तों ने भस्म आरती का दर्शन किया, दिव्य दर्शन किया। भस्म आरती बड़ी भव्यता से आज संपन्न की गई पुजारियों के द्वारा। भगवान का श्रृंगार, पंचामृत पूजन, जो भी नित्य होता है क्रम, वो सारा नित्य किया गया। 3 बजे भगवान के द्वार खोल दिए गए थे और 3 बजे से के बाद आरती जब पूर्ण हुई, 4:30-5 बजे बाद भक्तों को दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। मंदसौर में भी सावन मास के शुरू होते ही लोगों की बड़ी संख्या में पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे और बाबा की आरती कर देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी नरेंद्र धनोतिया मंदसौर से लाइव जुड़ गए हैं। नरेंद्र, पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है, सावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भोले बाबा को लेकर के होता है, आखिर कितना उत्साह दिख रहा है मंदिरों में, कैसी तस्वीरें हैं दिखाइए। ये बिल्कुल दिखाते हैं आपको, सबसे पहले बताते हैं कि इस बार उत्साह 2 गुना है, क्योंकि अधिक मास है और अधिक मास जो भगवान हरि को प्रिय होता है वो श्रावण मास में आया है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि हरि और हर भगवान विष्णु और शिव का मिलन का यह अधिक मास बताया जा रहा है। और इस बार श्रावण मास में 2 गुना उत्साह रहने वाला है, जितने सारे पर्व है, उत्सव है, वाहन रैली है, वो सब यहाँ पर 2 गुने होने वाले हैं। सबसे पहले हम दर्शकों को भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करवाते हैं, किस तरह से यहाँ पर भक्तों में उत्साह है। आप देख सकते हैं कि मंदिर का गर्भगृह पूरी तरह से खचाखच भरा है और यहाँ पर प्रातःकालीन आरती चल रही है और श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा गर्भगृह श्रद्धालुओं से खचाखच भरा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु प्रातःकालीन आरती करके भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। अभी भगवान का अभिषेक होने के बाद में आरती हुई है और हमारे साथ मौजूद है मंदिर के पुजारी कैलाश जी भट्ट। पंडित जी, कितना उत्साह इस बार है? इस वर्ष काफी उत्साह है क्योंकि श्रावण मास के साथ में अधिक मास भी है, हरि और हर का मिलन इस वर्ष होगा, इसलिए भगवान शंकर जी की मंदिरों में जाकर के काफी स्नाती भगवान पशुपतिनाथ जी का अभिषेक करके धर्म लाभ ले रहे हैं। और क्या कार्यक्रम आज रहने वाले हैं? श्रावण मास शुरू हो गया है, आज प्रातःकाल आरती मंडल द्वारा आज प्रातःकाल से लेकर के नित्य 2 माह तक भगवान पशुपतिनाथ जी का दूध पंचामृत से अभिषेक श्रृंगार
नैनाभिराम श्रृंगार एवं साथ में भगवान को नैवेद्य अर्पण किया जाएगा एवं सभी भक्तों के द्वारा भगवान का मनमोहक श्रृंगार। बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।